बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो है वॉशिंग मशीन का कवर। ये जो कवर है मार्केट में आसानी से नहीं मिलता, इसलिए हम इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डबल फोल्ड कपड़ा लेंगे और उसके मशीन की हाइट के मुताबिक हम उसकी मेजरमेंट करेंगे। हमारी जो मशीन की हाइट है वो 36.5 इंचज़ है। इसके बाद हम उसके फ्रंट की मेजरमेंट लेंगे कि उसके फ्रंट कितना है। तो वो फ्रंट है 25 इंचेस। तो हम दोनों साइड से हाफ हाफ जो इंच है वो एक्स्ट्रा कपड़ा उसके लिए मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। हम दोनों साइड से इसकी मेजरमेंट ऊपर से और नीचे से करेंगे और चौक की मदद से निशान लगा लेंगे। फिर हम दोनों निशानों को स्केल की मदद से आपस में इस तरह से मिला देंगे ताकि कटिंग के दौरान कोई मसला पेश ना आए और कटिंग सीधी सरा तरह से हो। इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देंगे। इस तरह कपड़ा काटने के बाद जो हमारी बंद साइड है, क्योंकि ये डबल फोल्ड कपड़ा है और ये फ्रंट और बैक दोनों का पीस है, तो इसलिए हम जो बंद वाली साइड है उसकी कटिंग करेंगे और ये दो पीस अलग हो जाएंगे, फ्रंट का और बैक का। अब हम इस अपनी आसानी के लिए इसके ऊपर जो फ्रंट वाला पीस है उसके ऊपर एफ़ लिख लेंगे, एफ़ मीन फ्रंट, और जो बैक है उसके ऊपर बी लिख लेंगे, बी मीन बैक का पार्ट, क्योंकि जब हम ज्वाइन करेंगे ना आपस में तो हमें ध्यान रहे कि ये फ्रंट का है या बैक का पीस है। फ्रेंड्स, जो हमारी वॉशिंग मशीन है, आजकल जो वॉशिंग मशीन हायर की या इस तरह की जो आ रही हैं उनके पाए फिक्स होते हैं, किसी के टॉप पर होते हैं और किसी के बैक पर। तो इस वॉशिंग मशीन का जो पाइप है वो पीछे बैक की तरफ ऊपर वाली साइड पे फिक्स है, तो लिहाजा हम जो बैक वाला पार्ट है उसके ऊपर 4 इंचज़ जो है एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे ताकि कवर के चढ़ाते हुए हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये हम चारों साइडों से बंद नहीं होगा, ये कवर एक साइड से खुला होगा। लिहाजा हम ऊपर से बैक का जो पार्ट है उसका ऊपर से 4 इंचज़ जो है हम उसका कट कर देंगे। जी फ्रेंड्स, तो अब हम जो साइड की मेजरमेंट लेंगे, वॉशिंग मशीन की जो साइड है उसकी मेजरमेंट लेंगे कि उसकी साइड कितनी है। फिर हम उसकी मदद से मार्क कर लेंगे चौक की मदद से, नीचे वाली साइड से भी और ऊपर दोनों साइडों से। हम फ्रंट जो साइड की मेजरमेंट है वो इसके मुताबिक निशान लगा लेंगे। ये भी डबल फोल्ड कपड़ा है, ये दोनों जो साइड्स के पार्ट हैं उनका कपड़ा है। तो हम अब दोनों को भी स्केल की मदद से इस तरह से इसको भी इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे ताकि कटिंग के दौरान हमें कोई मसला पेश ना आए और कटिंग सीधी तरह से हो। फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम अलग कर देंगे और जो बंद वाली साइड है इसकी भी इस तरह से कटिंग कर देंगे, तो ये दो पीस अलग हो जाएंगे साइड के। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें पीछे जो बैक का पार्ट है उसे ज्वाइन करने के लिए आपस में हमने स्ट्रिप्स रेडी करनी है। वो 2-2 इंचज़ की चौड़ी हमने स्ट्रिप्स काट ली थी इसी कपड़े में से, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, तो उसको हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे और हम 3 जो बड़ी पट्टियां हैं वो रेडी करेंगे। वो पट्टियां तकरीबन 35 इंचज़ उनकी लंबाई होगी, या आई थिंक 34 भी आप कर सकते हैं। इस तरह से ये हम पट्टियां डबल फोल्ड कपड़े को करके हम ये पट्टियां रेडी करेंगे। दोनों तरफ से हमें इसको बंद करना है क्योंकि हमें इसकी सेंटर में से इसकी कटिंग करनी है। जी फ्रेंड्स, इस तरह हम इसे पक्की स्लाइस के ऊपर मार देंगे। इसके बाद हमें जो 2 स्ट्रिप्स हैं वो थोड़ी चौड़ाई में चाहिए, जिनको हम सिलाई लगाने के बाद सीधा कर लेंगे।
क्योंकि ये दो जो स्ट्रिप्स हैं ये हमारी जो वॉशिंग मशीन का कवर है उसके बिल्कुल टॉप पर ये लगेंगी। जी फ्रेंड्स, ये जो हमने छोटे वाली पट्टियाँ हमने स्टिच की थी उसकी हमने सेंटर में से कटिंग कर लेनी है और ये हमारे 6 पीसेस हो जाएंगे इसके। इस तरह से हम इन तीनों पट्टियों की इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से होगी। इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लिड का जो पीस है जो मेरे हाथ में है इस वक्त, ये लिड का पीस है। लिड की जो हमने मेजरमेंट लेनी है वो फ्रंट की, जितनी फ्रंट की ही मशीन का फ्रंट है उतना लेना है और जितनी साइड की चौड़ाई है उतनी लेंगे, तो वो हमारा चारों साइडों से ये हमारा लिड जो है वो हमारा कटिंग हो जाएगा। इस तरह से हमने इसके बैक वाला जो पार्ट है लिड का, बैक वाला पिछला हिस्सा, उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये बैक साइड वाली जो हम सिलाई लगा रहे हैं, फ्रंट वाली साइड पे नहीं, बैक वाली साइड पे इस तरह डबल फोल्ड करते हुए लिड का जो हमने कपड़ा लिया है उसके ऊपर हम इस तरह से उसकी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमने साइड का, जिसके ऊपर हमने एस लिखा था, ये हमने आसानी के लिए लिखा था कि एस वही साइड का हमने जो पार्ट का जो हमने कपड़ा लिया है उसको हमने एक, दोनों पीसीस को एक एक साइड में डबल फोल्ड करके हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो हमने साइड के पार्ट का हमने जो दो पीस काटे हैं उसे हमने एक साइड पे, दोनों पीसीस को एक एक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमने इसकी सिलाई लगानी है। जी फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे बैक का पार्ट है, क्योंकि हमारा बैक का पार्ट जो है वो ओपन होगा क्योंकि पाइप उसका पीछे फिक्स होता है, फिर हम स्ट्रिप्स की मदद से हम इसे आपस में ज्वाइन करेंगे। तो लिहाजा हमने बैक का जो ऊपर वाला फ्रंट है और साइड जो उसकी, एक फ्रंट और साइड, एक साइड और जो फ्रंट है उसका खुला होगा, एक हमने साइड उसकी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें हमें स्ट्रिप्स लगानी है इसकी। ये सीधी हमने इसकी लंबाई के रुख पर हम इसे बंद करके, इसे डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगा रहे हैं। और यहाँ पर हमने, जहाँ पे हमने बैक लिखा था, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको भी हम सिलाई लगा देंगे डबल फोल्ड करके। अब हमने ये इस तरह से फ्रंट का पीस रखा है, सीधा हमने रखना है उसे। और ये जो हमारा साइड का, हमने एक साइड से हमने साइड का जो पार्ट पीस था हमारा कपड़े का, उसे एक साइड से हमने फोल्ड किया था, तो वो हम फोल्ड किया हुआ जो साइड है वो लिड की फोल्ड की हुई साइड के ऊपर रखकर 1 इंच के फासले पर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जिप एडजस्ट करनी है, क्योंकि हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसका लिड एंड तक खुलता है, तो लिहाजा हम इसकी जिप भी एंड पर लगाएंगे और 1 इंच का मार्जिन रखेंगे जिप लगाने के लिए। अब हम इसके दोनों साइड्स पे लिड के, हमने एक साइड पे हमने जो साइड का हमने पार्ट है वो हमने उसके फिक्स कर दिया है, और अब दूसरी तरफ जो साइड का पार्ट है वो यहाँ पर 1 इंच की सिलाई लगाकर उसे फिक्स करेंगे। इसके बाद हमारे पास फ्रंट, जो फ्रंट का पार्ट हमने कटिंग किया था वो हम साइड के पार्ट के साथ, जिस तरह से हमने रिड के साथ उन्हें ज्वाइन कर दिया है, तो अब हम उसके देखते हुए कि जहाँ पे एस लिखा हुआ है वो साइड का पार्ट है, तो उसके साथ हम जो फ्रंट का अलहदा से पीस कटिंग किया हुआ था वो इस तरह से हम साथ सिलाई कर देंगे। ये फ्रेंड्स नहायत ही आसानी से हम घर बैठ कर सिलाई कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे कॉटन फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर फैब्रिक यूज़ किया है वो वाटरप्रूफ पैराशूट है। इस तरह से हम अब फ्रेंड्स देखें कि हम दूसरी साइड पे भी वही जो फ्रंट का पीस है, पहले अब दूसरी साइड पे उसे उसकी सिलाई लगाएंगे। जी फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे भी ज्वाइन कर देंगे आपस में। इसके बाद हम फ्रेंड्स इसके जो हमने
अच्छे से इसे हमने सिलाई लगा कर आपस में ज्वाइन करना है। फ्रेंड्स ये वाटरप्रूफ पैराशूट है जो जिससे हम ये कवर सिलाई कर रहे हैं। हम कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा जो भी हमें फैब्रिक अवेलेबल हो वो हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसके साथ ये साइड का दोनों साइड्स के पीस लिड के साथ और फ्रंट का जो है वो आपस में हम कंबाइन कर दिया है। अब हम जो फोर्थ पार्ट इसका बैक का है वो एक साइड पे हम इसे जिस जो साइड हमारी खुली जो हम फोल्ड नहीं किए वो उसके ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई मारेंगे। ये सिलाई हम साइड के पीस जो हमने बंद हमने डबल फोल्ड करके सिलाई किया था साइड का पीस उसके साथ हम ये बैक का जो पार्ट है वो ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह ये देखिए ऊपर से जगह खाली छूट गई है जहाँ पर हमारा पाई फिक्स था। अब हम फ्रेंड्स नीचे वाली साइड से जो एंड वाली साइड होती है उसे अब हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे ताकि वो धागे वगैरह ना निकलें। हमारा ये कवर तकरीबन रेडी होने वाला है, ये देखिए फ्रेंड्स।